Hello and welcome students. Today we are going to discuss subject English grammar, topic punctuations, and this is chapter number 18 and class 8. Today we will know what are punctuation, means punctuations क्या होते हैं, कि punctuation कहाँ use होते हैं, where we can use the punctuation marks and how we can use the punctuation mark. Okay. First of all, the marks of punctuation are used in written text to make the meaning clear. जब हम लिख रहे होते हैं तो उस टाइम हमें punctuation mark का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. That's why the meaning of the written text कि वो clear आ जाए. मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप जो है पंक्चुएशन मार्क रिटर्न में नहीं रखें, अब बोल रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है. सपोज यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन, देन यू विल से हाउ आर यू, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपने किसी से पूछा है. बट अगर आप जो है इफ यू आर राइटिंग टेक्स्ट ऑन पेपर, देन यू विल पुट द पंक्चुएशन मार्क इन फ्रंट एंड एट लास्ट और इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस. You must keep the punctuation mark in between or last or at the starting point. ठीक है, तो आपने ये punctuation mark को जरूर ही रखना होगा ताकि आपका जो written text है उसकी जो meaning है वो clearly सामने आ सके. Okay? Now I am going to write types of punctuation mark. Okay? First of all, full stop. This is only a dot. आप देखते होंगे कि sentence के last में अगर dot होता है तो वो होता है full stop. उसके बाद comma. In between of the sentence आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे ये वाला साइन होता है, तो ये होता है कॉमा का साइन. आफ्टर दैट मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, तो इसका जो मार्क होता है इस तरह से, जिसको आप क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, दिस इज मार्क ऑफ इंटरोगेशन. And mark of exclamation. Mark of exclamation. आपको एक लाइन दिखेगी, उसके नीचे एक डॉट दिखेगा. आपको समझना है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी कोटेशन मार्क. अब ये कोटेशन मार्क जो है, ये कोटेशन मार्क हमेशा आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से, या फिर सिंगल अगर कोटेशन मार्क की बात करें तो वो इस तरह से होते हैं, तो इनको बोलते हैं कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, सो चिल्ड्रन एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैंने यहां पर फुल स्टॉप लिखा, यानी पहला जो हमारा टॉपिक था, पहला जो हमारा हेडिंग है वह है फुल स्टॉप. कि फुल स्टॉप का यूज हम कहां कर सकते हैं, द फुल स्टॉप और पीरियड, इसको पीरियड भी बोलते हैं. पीरियड मींस, पीरियड मींस इसके बाद आपका सेंटेंस या तो नए सिरे से शुरू होगा या फिर सेंटेंस आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क, इट मेक्स द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस. हमेशा ये जो फुल स्टॉप है ये हमेशा एंड में यूज होता है और ये केवल असर्टिव सेंटेंसेस में यूज होता है. असर्टिव मींस जो स्वीकारात्मक होते हैं सेंटेंस, जिन्हें आप बोलते हैं. सपोज हाँ मैंने खाना खा लिया, दिस इज असर्टिव सेंटेंस, मींस स्वीकारात्मक, मैंने खाना खा लिया. ठीक है, इस तरह से जैसे माय नेम इज रवि, हिज नेम इज गीता, इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं दोज आर असर्टिव सेंटेंसेस. अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा. ठीक है, और एन इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस में इंपेरेटिव मतलब सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, अब इनके इनके लिए थोड़ा सा एग्जांपल मैं लिखता हूं.
सपोज माय नेम इज रवि, ठीक है, तो लास्ट में आपने यहां पे फुल स्टॉप का यूज करना है, दिस इज असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सेंटेंस में मतलब फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं। दूसरा आई एम अ टीचर, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद गो गोवा, इस तरह से, ठीक है, या फिर गो अवे, इस तरह से। ये सेंटेंस के लास्ट में यू मस्ट यूज द फुल स्टॉप, मींस फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज फुल स्टॉप, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ कैन वी यूज फुल दिस पंक्चुएशन मार्क विद द सेंटेंसेस। ओके, नाउ आई विल राइट नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क कॉमा, सो नाउ वी विल यूज द कॉमा पंक्चुएशन मार्क इन सेंटेंस, कि कैसे हम सेंटेंस में इस पंक्चुएशन मार्क को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले द कॉमा इज यूज टू सेपरेट द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, मतलब उनको अलग अलग करने के लिए आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। सपोज इफ आई राइट रोहन मोहन रवि, तो ये सब एक मतलब अगर मैं इनको देखूं तो एक सीरीज में है और ये अभी अलग अलग नहीं है, तो इनको अलग अलग यानी अलग अलग काउंट करने के लिए इन बिटवीन वी विल यूज कॉमा पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सीरीज, फॉर एग्जांपल जया सुनीता विनय एंड कमला आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहां पे हम लिख सकते हैं रवि एंड I playing in the garden। तो इस तरह से हम सेंटेंस में कॉमा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोहन मोहन रवि एंड I, ठीक है, I को हमेशा सबसे लास्ट में रखते हैं, फर्स्ट पर्सन को अगर इस तरह से हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को सबसे लास्ट में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद टू सेट ऑफ अ नाउन ऑफ एड्रेस, अब देखो किस तरह से आप नाउन को एड्रेस करते हैं, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टिंग टू योर फादर दैट आई नीड योर हेल्प, देन व्हाट विल यू से, फादर और उसके बाद कॉमा लगाना मोस्ट नेसेसरी, ठीक है, फादर आई नीड योर हेल्प, ठीक है। तो इस तरह से आप नाउन को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सपोज यू आर गिविंग कमांड टू समवन, तो कमांड देने में किस तरह से यूज करेंगे, सिट डाउन, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब जिसको आपने बोला है मींस होम यू आर गिविंग द कमांड सिट डाउन विनय, तो इस तरह से आप कमांड में इस इनका यानी कॉमा का यूज करेंगे, और रिक्वेस्ट में किस तरह से आप इसको यूज करेंगे, और नाउन को सेपरेट करने के लिए या सेंटेंस को या वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आप किस तरह से कॉमा का यूज करेंगे, यू कैन सी कॉमा मेनी टाइम्स और मेनी प्लेसेस, ठीक है। अब इसका जो यूज है बिफोर प्लीज एंड थैंक यू व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, अब इस तरह से सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कि मींस बिफोर प्लीज एंड थैंक यू, आप जो है अगर किसी को थैंक यू बोल रहे हैं या फिर प्लीज बोल रहे हैं तो उससे पहले आपको कॉमा लगाना होगा इफ यू आर राइटिंग ऑन द पेपर, ठीक है। तो किस तरह से, सपोज यू आर डिमांडिंग सॉल्ट, Could you pass me the salt? Could you pass me the salt? फिर कॉमा लगेगा, उसके बाद
जो आपका होल वर्ड है वो यूज करेंगे प्लीज, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें प्लीज में यूज करेंगे। और सेम वे सपोज यू आर आस्किंग टू समवन वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, देन ही विल से नो थैंक यू और यस थैंक यू। तो वहां पे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, विल यू हैव टी, विल यू हैव टी क्वेश्चन मार्क, एंड उसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, नो no. अब यहां पे आपने पूछने के बाद आप जो है मतलब उनका आभार प्रकट करने के लिए थैंक यू बोल देते हैं, तो यहां पे नो से नो के बाद आपने कॉमा लगाना है, देन यू विल से थैंक यू। तो यहां पे थैंक यू और प्लीज के साथ मीन्स हम्बल वर्ड्स के साथ किस तरह से आप हाउ कैन यू यूज कॉमा, ओके। तो आप यहां पे देखें, नाउ वी विल यूज कॉमा टू सेपरेट पार्ट ऑफ एड्रेस, एड्रेस को किस तरह से सेपरेट करना है। सपोज यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन एंड यू आर एड्रेसिंग ऋषिराम शिक्षण संस्थान, देन हाउ कैन यू यूज कॉमा, सपोज आर आर एस एस यानी ऋषिराम शिक्षण संस्थान, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगा के जोशियाड़ा, तो इस तरह से ये एड्रेस को सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद उत्तरकाशी, तो ये आपने फिर इस तरह से मतलब जितनी बार आप एड्रेस को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, सपोज अ पर्टिकुलर प्लेस देन अ लोकल एरिया देन अ बिग एरिया, तो इस तरह से आप हर एक को सेपरेट करते जाएंगे करते जाएंगे, ओके। नाउ इसी तरह से टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ डेट फ्रॉम द अदर वर्ड्स फॉलोइंग द डेट, मतलब कि किस तरह से डेट को और दूसरे जो वर्ड, सपोज कुछ समथिंग हैपेंड ऑन द पर्टिकुलर डेट, देन हाउ विल यू सेपरेट बोथ डेट एंड द एक्शन, ओके। ऑन 12 डिसेंबर 1940 कॉमा दे मेट, दे मेट इतना भी काफी है और चाहो तो थोड़ा और लिख सकते हैं ईच अदर, तो इस तरह से आपने एड्रेस को सेपरेट करने के लिए और डेट को सेपरेट करने के लिए अदर जो सेंटेंस है उससे सेपरेट करने के लिए आप इस तरह से कॉमा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन, नाउ वी हैव नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी जिसको आप क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, दिस इज मार्क ऑफ इंटरोगेशन, कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। द मार्क ऑफ इंटरोगेशन इज यूज एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में आप इंटरोगेशन मार्क को यूज करते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन पूरा हो रहा है तभी आपने इंटरोगेशन मार्क को यूज करना है, अदरवाइज बीच में आप इंटरोगेशन मार्क सेंटेंस के यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो आपने रखना है। सपोज यू आर आस्किंग टू समवन वेयर आर यू, अब अगर आप बोल रहे हैं तो आपने ये नहीं बोलना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी वेयर आर यू क्वेश्चन मार्क, तो ये सही तरीका नहीं है, बल्कि ये जो क्वेश्चन मार्क और पंक्चुएशन मार्क जितने भी हैं ये रिटर्न फॉर्म में यूज होते हैं, बल्कि अगर हम वर्बली अगर यूज करते हैं तो वहां पे आपको पंक्चुएशन मार्क बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसी को अपनी बात एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, ओके। नाउ
The mark of interrogation is also used at the end of a question tag. यानी abbreviation में किस तरह से हम इसको use कर सकते हैं? We are meeting them on Sunday. Aren't we? इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं, ठीक है? Suppose we are meeting them on संडे, ठीक है? ये खत्म हो गया. अब आपने क्या करना है, एब्रिविएशन में बनाना है क्वेश्चन मार्क को, ठीक है? यानी कॉमा लगा के आंट वी, इस तरह से आपने क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, ठीक है? आंट वी, ठीक है? इसी तरह से यू डिंट फिनिश दैट केक, डिड यू, क्या आपने किया? इसका मीनिंग समझो, वी आर मीटिंग देम ऑन संडे, आंट वी, क्या हम नहीं मिल रहे हैं? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बन रहा है कि क्या हम नहीं मिल रहे हैं. पहले तो जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन बाद में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव एब्रिविएशन बन रहा है, ठीक है? कैसे? आर वी मीटिंग देम ऑन संडे, क्या हम उनसे रविवार को मिल रहे हैं? उसके बाद कॉमा है, फिर एब्रिविएशन में है कि क्या हम नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये एब्रिविएशन में यूज हो सकते हैं. उसके बाद बात करते हैं, एज यू नो वेयर वी कैन यूज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. चैप्टर बिफोर दिस चैप्टर वी ऑलरेडी लर्न देयर हाउ कैन वी यूज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स इंटरजेक्शन, ठीक है? तो ये आपको अच्छी तरह से पता है. द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. सपोज व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कि कितने खुशी का प्लीजेंट सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स होता है कि जैसे उपहार देना इस तरह से, ठीक है? इट वॉज शॉकिंग. तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, इनके लास्ट में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना है. जैसे व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, सरप्राइज, और लास्ट में इंटरोगेशन, सॉरी इंटरजेक्शन, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क को रख देना है, ठीक है? उसी तरह से इट वॉज शॉकिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंटरनल जो एक्साइटमेंट होता है वो सडनली बाहर आ जाता है. जैसा कि मैंने आपको इंटरजेक्शन में, इंटरजेक्शन वाले चैप्टर में आपको समझाया था, उसी तरह से, ठीक है? जैसे इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज शॉकिंग. तो इस तरह से अब दूसरी किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज आल्सो यूज्ड आफ्टर एन इंटरजेक्शन. और आप जो है इनको इंटरजेक्शन के बाद में यूज भी कर सकते हैं. जैसे हुर्रा, इस तरह से हुर्रा. जैसे अलास, जैसे फी, जैसे हुस. तो इनके बाद आप ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, इनके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क को कैसे यूज कर सकते हैं, यू कैन सी ऑन द बोर्ड. सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल, और आप इसको खुद भी घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. और पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर वी विल सेंड यू by WhatsApp group of your class. Thank you and have a nice day.